नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने अपूर्व में संस्कृत का अध्याय किया था, आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी में पाठ नंबर 12 जो आपके है सुदामा चरित, इसका अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित पाठ के नाम से संबोधित होता है कि इस पूरे पाठ के अंदर हमें सुदामा के चरित्र के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया जाएगा। हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमें पता है, परंतु जब हम नई पाठ्य पुस्तक से कुछ पढ़ते हैं तो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पाठ 12 सुदामा चरित जो है, इसके जो राइटर हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, वो है नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास जी, आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हम हिंदी में कोई भी पद्य भाग पढ़ते हैं, एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश, पद्यांश का मतलब होता है जो हम बोल करके, लय से, सुर से, ताल से जो गा करके हम बताते हैं, दोहे, छंद आदि, वो पद्यांश होते हैं। तो पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, हमें वहां पर व्याख्याएं करनी होती है। तो हम लोग जो है इस पाठ में, सुदामा चरित पाठ में, इसकी हम व्याख्या भी करें साथ साथ में। सबसे पहले देखिए, सीस पगाने झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे केही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाए उपनाहे को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिंसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपने कई बार इसका, इनका जो है एक प्रसिद्ध भजन भी है, ना सर पे है टोपी, ना तन पे है कपड़े, है ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से जाकर कह दो, है ना, द्वार पर तुम्हारे कौन खड़ा है। तो इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर कहा कि सीस, सीस का अर्थ होता है सिर, पगा, पगा माने पगड़ी, न झंगा, झंगा का अर्थ होता है ढीला ढाला सा, जिसे झोला बोलते हैं हम, हमारे जो क्षेत्रीय भाषा उसमें झोला बोलते हैं। झंगा मतलब ढीला सा कुर्ता। तन में, तन में माने, तन माने शरीर, शरीर में प्रभु। तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है कि हे प्रभु, सिर पर पगा न झंगा तन में, अर्थात सिर पर क्या नहीं है, पगड़ी नहीं है, वो ढीला ढाला सा क्या कर रखा है, कुर्ता जो है वो शरीर पर धारण किया हुआ है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, अब वो कहता है कि जाने को आही मतलब कोई नहीं जानता है कि के ही ग्रामा, कौन से गांव से जो है वो आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और जो धोती उसने पहन रखी अपने तन को ढकने के लिए, वो भी कैसी है, वो भी फटी हुई सी है, है ना, लटी दुपट्टी, और फटा सा हुआ सा एक दुपट्टा जो है, एक तौलिया अंगोछा जो है वो लपेटे हुए है। अरु पाए उपनाहों को नहीं सामा, अरु पाए, अरु मतलब और, पाए, पाए मतलब पैरों में, उपान है, उपान है मतलब जूते, उपान माने जूते, नहीं सामा मतलब नहीं पहन रखे हैं। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, और ऐसा आपके द्वार पर कौन खड़ा है, एक द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल माने जो कृष्ण का है, जिसकी काया बिल्कुल पतली है, जो बीमार सा लग रहा है, ऐसा एक दुर्बल जो है वो द्वार पर खड़ा है। रहो चकिंसो वसुदा अभिरामा, और वो क्या कर रहा है, वह चकित होकर जो है द्वारका की धरती को अभिरामा, अभिरामा मतलब देख रहा है, है ना, सुंदरता जो है, अभिराम का मतलब सुंदरता। तो चकित होकर, चकिसो आश्चर्य चकित होकर के पृथ्वी जो ये धरती है, इसकी सुंदरता को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम मतलब स्थान, है ना, धाम का अर्थ होता है भवन, स्थान, और दीन दयाल, दीन दयाल मतलब कृष्णा के लिए आया, भगवान कृष्ण का जो है वो धाम पूछ रहा है, और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। तो आपने कई बार इस भजनों में भी सुना होगा, सीस पगाने झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्लभ एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हैं, जो सैनिक खड़े हैं महल के बाहर,
वो जाकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, हे भगवान कृष्ण, हे गोपाला, हे प्रभु, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर कौन आया है? एक निर्बल ब्राह्मण आया है। द्वार खड़े हुए जो दुर्लभिक कि द्वार के ऊपर जो है एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके शीश पगा ना तो सिर पर क्या है, जिसके सिर पर ना पगड़ी है और न ही जंगा और न ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता या झोला है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता। वह न जाने वो आ ही बसे कोई यही ग्राम, कि वह जो है पता नहीं है कि कौन से जो गांव है उसमें किस ग्राम का रहने वाला है, अर्थात वो कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उसकी जो धोती है वो फटी हुई है, और क्या हुआ है, दुपट्टा भी जो है वो क्या है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। अरुपाय उपाहना को नहीं सामा, और उसके पैरों पर जो है जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है, चक्की सो वसुधा अभिरामा, और वो जो द्वारिका की पृथ्वी है उसकी सुंदरता को आश्चर्य से देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उसके बाद में कहते हैं कि दीन दयाल, जो दीनों पर दया करते हैं, वह दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, अर्थात भवन पूछ रहा है, और आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो आपको इसका अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। अभी इसका अगर प्रसंग बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, यह सवैया, जो सुदामा चरित्र है वो सवैया से लिया गया है। तो यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित, हमने नरोत्तम दास पहले ही बता दिया कि नरोत्तम दास द्वारा रचित चैप्टर का नाम क्या है, सुदामा चरित्र। तो यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। अब उसके बारे में बताना है कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। द्वारपाल ने उन्हें रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। और इसके बाद में हम जो है हम बताएंगे, व्याख्या में हम करेंगे कि द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों वह द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो समझ में आया, चलिए अब अगला देखते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। तो यहाँ जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं बहुत मार्मिक दृश्य बताया गया है। यहाँ पर हमने देखा है जैसे कि जब हम लॉकडाउन में थे तब कृष्ण भगवान की भी जो है लीलाओं को टीवी पर दिखाया गया था। तो वास्तव में ये जो पंक्तियां हैं, लेखक के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, इनको पढ़ने मात्र से ही जो है वो हमारी आंखों में अश्रुधारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रसंग जो है वो कैसे बनेगा। यह सवैया जो है नरोत्तम द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के द्रवित हो उठने की स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्थात जब भगवान कृष्ण जो पूरे संसार को पालन हारता है, जो पालन करते हैं, पालन करता है, जब वो अपने बचपन के मित्र सुदामा की ये हालत देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो द्रवित हो उठने की स्थिति का जो है इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तो देखो, बेहाल, बेहाल मतलब बुरा हाल, विवाइन, विवाइन क्या होती है, जब एड़ियों में एड़ियां फट जाती हैं
है ना, एड़ियों में दरारें आने लग जाती है, उसे बीमाइन कहते हैं। जब कभी कभी उनमें से जो है रक्त का भी प्रवाह होने लग जाता है, बीमाइयां, ठीक है, जिसे हम बीमाइयां बोलते हैं। कंटक, कंटक मतलब कांटे। जोई, जोई माने देखने लगे। इत्ते और कित्ते, इत्ते माने यहाँ, कित्ते माने कहीं। करुणा, करुणा मतलब दया। करुणा निधि, जो दया करने वाला होता है। छुयो माने छूना। नैनन माने नैन, आंखों। नैनन मतलब आंखों से। फिर उसके बाद में जल, जल मतलब जो जल होता है। परात, एक पात्र, बर्तन का एक जो पात्र होता है उसे कहा जाता है। छुयो माने छूना। तो देखिए क्या कहा गया, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के द्रवित हो उठने की स्थिति का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से जो है दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखो क्या कहा, श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर, सिंहासन पर बिठाया और कहा कि ऐसी हालत देखकर के वो स्वयं से जो है रोने लगे, उनके भी आंसू जो है बहने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि ऐसे बेहाल बीमाइन सो, उनके जो पैरों, पैर की जो एड़ियां हैं वो बेहाल है, मतलब फटी हुई है। सो पग कंटक जाल लगे, और उनके पैरों में कांटों के जो है वो जाल लगे हुए हैं। अर्थात उनके पैरों में जो बीमाइयां फटी हुई है और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, भगवान कृष्ण कहते हैं हाय दुख पूर्वक कि बहुत दुख पाया है मेरे मित्र तुमने। तुम आए इतने न कितने दिन को, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, और जब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की ऐसी गरीबी वाली हालत देखी, दीन दशा को देखा, तो दया करने वाले जो भगवान कृष्ण है, करुणा करने वाले भगवान कृष्ण है, करुणा निधि रोए। वो भी क्या करने लगे, जो दया करने वाले, करुणा निधि मतलब दया करने वाले हैं, वो भी सुदामा की दीन दशा को देख करके जो है वो रोने लगे। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा जो है वो प्रवाहित होने लगी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जब उन्होंने परात मंगाई अपने मित्र कृष्ण के पैरों को साफ करने के लिए, तो उन्होंने जो परात में पानी था उसके हाथ ही नहीं लगाया, उसको छुया ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोयो, और उनकी इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी कि उन्होंने क्या करा, उनके आंखों के जो आंसू थे उन्हीं से ही जो है सुदामा के पैरों को धोया। तो समझ में आया सबको कि श्री कृष्ण ने, व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बीमाइयां फट रही हैं और पैरों में कांटे चुभ रही हैं। वे उन्हें बार बार देखते रहे, वे कहने लगे कि हे मित्र, आपने महान दुखों को उठाया, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर सब जो है करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे, और सुदामा के पैर धोने हेतु परात में जो लाया हुआ जल था उन्होंने उसको छुया तक नहीं, और अपने आंसुओं के जो जल से, अर्थात उनकी अश्रु धारा जो है वो इतनी प्रवाहित हो रही थी कि उन्होंने भगवान सुदामा, अपने मित्र सुदामा के जो है पैर अपने जल अश्रु धारा से ही धो दिए। चलिए नेक्स्ट। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न धीत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेत। अब भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि अगर सुदामा की पत्नी अर्थात अपनी भाभी जी से कहते हैं वो कि अगर भाभी ने कुछ दिया है हमारे लिए तो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो।
चापी पोटरी काख में। चापी पोटरी, चापी मतलब दबाकर और पोटरी माने जो छोटी गठड़ी बंधी हुई होती है, तो तुमने जो है वो गठड़ी अपनी काख में बाजू में जो है छिपा रखी है, रहे कहो के ही है। तो वो कहते हैं कि तुम ये जो है मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कोख में रहे कहो के ही हेतु। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जो है वो एक पोटली को बार बार अपनी बगल में जो है वो छिपा रही थी। तो श्री कृष्ण ने से उन्होंने पूछ ही लिया, श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। वे सुदामा से कहते हैं कि अब इतनी बात तो यहाँ पर हो गई। फिर वो एक उदाहरण के तौर पर उनको कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दी नहीं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीण। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधारस भीने। पाचिली बानी अजो न तजो, तुम ते सही भाभी के तंदुल कीने। तो यहाँ पर ये बात हमें पता लगता है कि जब बचपन में भगवान कृष्ण और सुदामा मित्र थे और जब गुरु माता ने चने दिए थे तब क्या हुआ था, उन्होंने सुदामा के चने की कृष्ण भगवान ना खा ले और दरिद्रता, क्योंकि जो भी वो चने दिए हुए खाता उसके दरिद्रता आ जाती। तो सुदामा ने अपने मित्र को दरिद्रता से दूर करने के लिए और कि यही तो संसार के रचयिता है, संसार को चलाने के लिए है, तो इनपे ऐसा कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। तो सुदामा ने वो चने खा लिए और उसी का ही फल होता है कि सुदामा जब बड़े होते हैं तो वो दरिद्रता की ओर जाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों से हमें यह पता लगता है कि हमें कभी भी किसी के दूसरे के हिस्से को छीनना नहीं चाहिए, किसी के दूसरे के हिस्से की चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हंसते हुए जो है भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दए थे, कि जब पहले हम जब आश्रम में थे, जब हम पढ़ाई करते थे, शिक्षा प्राप्त की थी, तब गुरु माता ने चने दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। और तुमने क्या किया था, सुदामा को कहते हैं कि सुदामा तुमने वो सारे चने जो खा लिए थे और हमें नहीं दीने, अर्थात तुमने वो चने हमें नहीं दिए। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, भगवान कृष्ण जो है वो तीखी व्यंग्यपूर्ण हंसी से सुदामा को ये बात कहते हैं, चोरी की बान में हो जू प्रवीण। अब उन्होंने क्या कहा कि श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो, चोरी की बान, चोरी की बान मतलब तुम चोरी की आदत में हो जो प्रवीण हो, तुम क्या हो बहुत ही चतुर हो, प्रवीण माने चतुर, है ना, तो तुम बहुत बड़े चतुर हो। पोटरी काख में चापी रही, जो तुमने अपनी कोख में काख में, काख मतलब काका मतलब जो बगल जिसे हम कहते हैं बाजू के अंदर, है ना, तो पोटरी काख में चापी रही, जो तुमने पोटरी अपनी काख में जो छिपा रखी है तुम खोलत नहीं सुधारस भी ने, तुम जो है वो उसको क्या नहीं कर रहे हो, तुम उसको खोल नहीं रहे हो, जिसमें क्या है उस जो कि अमृत रस से भरी हुई है, सुधारस भी ने अमृत रस से भरी हुई है। पाचिली बानी अजो न तजो, पाचिली बानी अजो न तजो, अर्थात जो पिछली, पाचिली माने पिछली, बानी अजो जो पिछली आदत है वो तुम अभी भी जो है त्याग नहीं रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की नी, कहते हैं तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो, इसी कारण जो है तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमें कभी भी किसी के दूसरे का हिस्सा जो है वो नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से सुदामा ने तो मित्रता के लिए जो है कृष्ण के चने चबा लिए थे और उनको क्या हुआ था, दरिद्रता की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वो हंसते हुए कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, जो हमें दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो, अपनी जो काख है उसमें क्यों छिपा करके रख रखे हो, क्या कारण है।
तो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो आदत है वो अभी तक नहीं गई है, तुमने बचपन में भी गुरु माता ने जब चने दिए थे तो तुमने ही ले लिए थे, और आज भी तुम जो है भाभी ने अमृत बरसने वाले जो मेरे लिए दिया है वो आज भी तुम नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है वो सुदामा को बताते हैं। तो आप लोगों को इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके जो आगे की पंक्तियां हैं, पाठ 12 सुदामा चरित्र, इसके जो आगे की पंक्तियां हैं वो हम लोग अगले अध्याय में जो है करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है आप एक बार अपने अपने अभ्यास के लिए कीजिए।